नाज़रीन, हम बनाने लगे हैं भेपरे और कलेजी, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये प्याज चाहिए जो कि हमारे पास हैं तकरीबन 5 बूटे, ठीक है। हरी मिर्चें जो हम सिर्फ डेकोरेट करने के लिए हम डालेंगे, धनिया डेकोरेशन के लिए, और टमाटर हमारे पास जो हैं वो ये 3 अदद हम टमाटर डालेंगे, ठीक है, छोटे छोटे काट के। प्याज भी हम छोटे छोटे काटेंगे। लहसुन को हम पीसेंगे, लहसुन 1 पूरा और 1/2 जोया, और साथ थोड़ी सी अदरक जो सेहत के लिए अच्छी होती है इस वजह से हम डालेंगे, ठीक है। और अब हम ये सारी रेसिपी जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो प्याज जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो इनको छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे। और प्याज जो है अगर बड़ा है तो 3 और 2 जो है, और अगर छोटे हैं तो तकरीबन 5 से 6 कर देंगे अगर ज़्यादा चाहिए हो। और अगर टमाटर भी बहुत छोटे छोटे हैं तो 3 के बजाय हम 4 कर देंगे। अच्छा, हमने जो लहसुन पीसना था वो हमने ये पीस लिया है, इतना जितना मतलब हम लोगों को आगे गल जाएगा ये, और इतना बस नॉर्मल तक हम पीसना है। ये हमने 3 टमाटर जो रखे थे वो हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस मतलब जो गल जाए। और ये प्याज है जो हमारे 5 जोए थे हमने वो काट लिए हैं, मतलब 8 डोंगा बनना चाहिए। ये धनिया जो हमने गार्निशिंग के लिए कटिंग करके रखा हुआ है, और ये मिर्ची जो ये हम गार्निशिंग के टाइम ऊपर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारी कलेजी है जो हम बाद में डालेंगे जब हमारे भेपड़े जो हैं ये वाले ये थोड़े से गल जाएंगे, थोड़ा झाग छोड़ेंगे। अच्छा, वो तरकीब तो अभी हम आपको बताते हैं। पहले मैंने ये पानी उबलने के लिए रखा है, हम तेज चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रखेंगे, थोड़ा दूर रखना है। अच्छा, अभी हमारा पानी जो है वो उबल गया है, ठीक है। अब हम हमारा जो है पानी उबल गया है, अब हम इसमें ये फेफड़े डाल देंगे। ये जो प्याज है ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे सारा, ठीक है। और ये हमारा टमाटर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन जो हमने लहसुन काटा था उसमें से थोड़ा सा लहसुन मुट्ठी एक इसमें डाल देंगे ताकि इसकी जो हफक है वो ना आए। बाकी का लहसुन जो ये हमारा है ये हम बुनाई के बाद डालेंगे। हमने थोड़ा सा हिला दिया इसको नीचे को ताकि हमारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और अब हम ये रहा हमारा, ये हम मिर्च है, हम मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और आधी, ज़्यादा मिर्च नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को तीखा पसंद है तो हम इसमें तेज मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं नॉर्मल मिर्ची बना रही हूँ। ये गरम मसाला हम डालेंगे 1 और 2 छोटे से, ये हम डालेंगे धनिया, तकरीबन 2.5 चम्मच छोटे वाले, यानी कि तकरीबन हमारी 1 चम्मच हो गई। अब डालेंगे हल्दी 1 और तकरीबन 2 चम्मच ही समझ जाए, लेकिन छोटी चम्मच, मतलब बड़ी चम्मच अगर हम लेंगे तो 1 चम्मच ही बनेगी रंग के लिए, क्योंकि
क्योंकि हम नॉर्मल तादाद में बना रहे हैं तो हमारे लिए तकलीफ होगा। चूल्हा हम तेज रखेंगे ताकि इनको उबाल आ जाए, और जब उबाल आ जाएगा तो हम इन्हें गलने के लिए रख देंगे। देखिए हमने अब कलेजी भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे ये जो फेफड़े हैं ये वो हो गए हैं थोड़े छोटे छोटे, और जब हमारे फेफड़े थोड़े निचड़ गए हैं तो हमने इसमें ये कलेजी डाल दिया। और नमक हमने अभी नहीं डाला पानी में, क्योंकि नमक हम कलेजी वाले सालन में थोड़ा भुनाई के वक्त डालेंगे। नाजरीन, हमारा जो पानी सूख गया था कलेजी का, उसको हम बना करने लगे हैं अब फ्राई। हमारी कलेजियाँ जो हैं वो हमारी बिल्कुल ये देखिए गल गई हैं। बस ये जो मसाला है हमें अब ये भून के पीसना है, और हमें भुनाई करके इसमें थोड़ा सा आखिर में जब बिल्कुल भूनने वाला होगा, बंद करने वाले होंगे, तब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम भुनाई कर रहे हैं, ये देखिए अभी मेरा मसाला सही से पिसा नहीं है। हम ये जब शुरू नज़र नहीं आएगा तब हमारी ये भुनाई कम्प्लीट। ये अब हमारा जो है ये तेल निकल आया है और हमारी ये रेडी हो गई है। इसमें हमने लास्ट में नमक भी डाल दिया, मिक्स भी कर दिया है, और अब हम धनिया हमने इतना ज़्यादा डेकोरेट के लिए नहीं रखा था जितना हमने पकाने में यूज़ कर दिया है। जिन्होंने डालना हो डेकोरेट करना वो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ डेकोरेट से दो ग्रीन मिर्च से। रेडी, सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू डिश टुडे एज यू हैव सीन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। आवर चैनल नेम इज लव लाइफ।